भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 25 दिनों बाद अमेरिका से इंदौर लौटे। लौटते ही वे एयरपोर्ट से सीधे पितृ पर्वत पहुंचे। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में बिहार सरकार को घेरा। कहा, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तब मैं अमेरिका में था। वहां मुझे एक परिचित ने कहा कि हमारे विदेश में जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं वैसे बिहार की राजनीति है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस के वापस सत्ता में आने के दावे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जी की उम्र 75 से ऊपर हो गई है, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विदेशों में भी धूम रही है, वहां भारतीयों में काफी उत्साह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सभी स्वीकारते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि इस दौरान जैसे ही पत्रकारों ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, नीतीश बिहार के आखिरी बार सीएम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।